नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। एक तरफ सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं एक जवान भी आज शहीद हो गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए सीरियल आईडी बम को बरामद किया गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद आईडी को डिफ्यूज भी कर दिया है। दरअसल शनिवार को नेमेड इलाके के गदामली केडेर के बीच बन रहे निर्माधीन मार्ग पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए 231 वाहिनी कंपनी के कैंप जवाराम जांगला और नेमेड थाने की टीम निकली हुई थी। बीडीएस बीजापुर और बीडीएस 231 की टीम ने डी माइनिंग के दौरान 3 आईडी बम को बरामद कर डिफ्यूज कर दिया है। नक्सलियों ने स्ट्रीट सोलर पैनल के पोल को काटकर डायरेक्शनल पाइप बम भी तैयार किया था। गदामली और कैडेर के बीच रोड के बीच में 2 पाइप बम और 1 कुकर बम को भी प्लांट किया गया था। पाइप बम लगभग 33 केजी का और कुकर बम 10 केजी के लगाए गए थे। कमांड स्विच सिस्टम से सभी आईडी बम को 2-2 मीटर की दूरी पर सिरिंज में लगाया गया था। फिलहाल जवानों ने सभी आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां अम्बुजमाड़ के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे जाने की सूचना है और वहीं मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान शहीद हो गया है और 2 जवान घायल भी हो गए हैं और घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। आपको बता दें कि अम्बुजमाड़ के कुतुल, फरसबेड़ा, कोटामेटला इलाके में एक जॉइंट ऑपरेशन नक्सल अभियान चलाया गया था और इस ऑपरेशन में नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दत्तवाड़ा, डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के लगभग 900 से ज़्यादा जवान इस अभियान में शामिल थे। लगातार 2 दिनों से इस इलाकों में रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही थी और 4 दिनों से फोर्स अम्बुजमाड़ के घनघोर जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी और इसी बीच जो है आज मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं, वहीं 1 जवान शहीद हुआ है। क्या कुछ कहना है इसके ऊपर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, चलिए सुनते हैं। कल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ये कब लॉन्च किया गया और इसमें क्या कुछ सफलता है? 2 दिन पहले नक्सलों की आसूचना थी, उस आसूचना पे मार के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की एलिट फोर्सेस, 4 जिलों की एलिट फोर्सेस, डीआरजी और एलिट एसटीएफ, इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कॉम्पोनेंट्स, 4 जिलों में कांकेर, नारायणपुर, दांतेवाड़ा और कोंडागांव, 4 की डीआरजी थी, एसटीएफ का एक बड़ा कॉम्पोनेंट था और इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के कॉम्पोनेंट्स थे। अलग अलग क्षेत्रों से मार के क्षेत्र में नक्सल सर्च अभियान में निकले थे और पिछले 2 दिनों से मार के विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था और आज सुबह जब मुठभेड़ का एक एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद सर्च में हमें 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। इसमें हमारे एक जवान को जान की शहादत देनी पड़ी है, नितेश एक का, जो कि जसपुर के रहने वाले हैं, वो शहीद हुए हैं। 2 जवान घायल हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है और रायपुर में इलाज के लिए भेजा गया। सर, मारे गए नक्सलियों में क्या कुछ बड़े इनामी नक्सली या बड़े कैडर भी मौजूद हैं? ऑपरेशन जारी है, अभी तक डिटेल्स नहीं आई है और शिनाख्त नहीं हो पाई है। जब फोर्सेस बाहर आएगी, फोर्सेस बाहर आने में समय लगेगा, उसके बाद फिर हम उसकी डिटेल दे पाएंगे। सर, अम्बुजमाड़ के क्षेत्रों में भीषण गर्मी में जो है जवान जो है वो नक्सल ऑपरेशन में जाते हैं, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो अम्बुजमाड़ इसका ऑपरेशन और इन जनरल नक्सल ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सबके ऊपर कल हम एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे शाम में 3-4 बजे के आसपास, तो विस्तार से हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे।